साथियों की प्यास बुझा जा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, साथियों की प्यास बुझा जा, आजा रे दीवाने आजा, मुझे अपना बना ले आजा, खाना रे खाना आजा जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जिन ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं, आओ उस परम सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। इस कथा के माध्यम से भागवत धर्म एक ऐसा विचित्र धर्म है जिसको तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कोई समझाने वाला ना हो। ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म इतना गूढ़ है, इसकी जड़ें इतनी पाताल में हैं, लेकिन इसको समझना जानना बड़ा मुश्किल है। सनातन धर्म का अर्थ ही है जो सनातन हो, सदा से हो और सदा रहेगा। पहले जानो, उसके बाद फिर विश्वास होगा, प्रेम होगा। जाने बिन ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। कोई भी काम करने से पहले हम अगर उसको जान ले तो कार्य करना आसान हो जाता है। अगर बिना जाने करेंगे तो कार्य हो ना हो कह नहीं सकते उसकी सिद्धि में, और कार्य विपरीत फल भी दे सकता है, अर्थात कार्य बिगड़ भी सकता है अगर बिना जानकारी के हम काम करें। कंप्यूटर चलाना नहीं जानते और उसमें कुछ काम करने बैठेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा समय खराब होगा, अंत में कंप्यूटर भी खराब हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि जानकारी नहीं। पहले जान, कोई भी काम करने चलो, घर में माता सब्जी बनाए, पहली बार कोई सब्जी बनाए तो कैसे बनाएगा, पहले सब अपने बड़ों से जानना पड़ेगा, कैसे सब्जी को तड़का लगाना, क्या डालना, नमक कम या ज्यादा, कैसे सब सीखना पड़ेगा, तब भोजन होगा। तो जाने बिना न हुई प्रतीति, बिना जानकारी के विश्वास नहीं हो पाएगा, और बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवही नरा। हम भले सनातन धर्म में पैदा हो गए, लेकिन सत्य बात है अभी हम इस धर्म को जानते नहीं। जानते तो इधर उधर भटकना हमारा बंद हो जाता, जो हम नाना प्रकार के धर्म संप्रदाय में भटकते हैं, भटकन बंद हो जाती। मेरा तो दावा है, मैं तो टीवी के अपने कार्यक्रमों में कहता हूं, कोई व्यक्ति किसी धर्म का क्यों ना हो, मेरा एक महीना संग करे, जो मैं कहता हूं मेरी बात सुने, एक महीना गारंटी ना लिख दे दूं वो सनातन धर्म में आ जाएगा। इतना ज्ञान, इतनी जानकारी है, विज्ञान भी हैरान है इस धर्म को देख करके कि जब कोई यंत्र नहीं बने थे, कोई टेलीस्कोप नहीं थे, 5000 साल पहले ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई और भागवत में पंचम स्कंद में लिखा है कौन ग्रह किस ग्रह से कितनी दूरी पर स्थित है। विज्ञान तो आज खोज कर रहा है कितने ग्रह हैं, कौन ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है, और ये बात तो भागवत में 5000 साल पहले पंचम स्कंद में लिखी हुई है। तो ये संतों को जानकारी कैसे मिलगी बैठे बैठे? इसका मतलब है कोई विद्या ऐसी जहां अभी हमारा विज्ञान पहुंच नहीं पाया। आप पंचम स्कंद पढ़ के देखो, अंतिम 4-5 अध्याय, तो आप पढ़ करके हैरान हो जाएंगे कि जो खोज आज विज्ञान ने की वो तो 5000 साल पहले से ही सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं सब बात। उस समय तो कोई टेलीस्कोप नहीं थे,
कैसे खोज लिया ब्रह्मांड में कहां कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर सूर्य से है। ये सब बातें सनातन धर्म की। सच बात तो ये है कि सनातन ही धर्म है, बाकी सब धर्म है ही नहीं। सच बात है, कोई मेरे सामने आके तर्क वितर्क करे, शास्त्रार्थ करे। अभी हम पटना से आए हैं, पटना में कार्यक्रम था, तो वहां पर हमारी कथा गुपचुप कुछ विरोधियों ने सुनी और सुन करके मंडली बना करके आ गए और उसने सनातन धर्म का खंडन प्रारंभ किया। कहा कि हमको एक घंटे का समय दिया जाए, तो वहां के उसने दे दिया समय घंटा। तो एक घंटे में केवल उसने सनातन धर्म की बुराई की और कुछ नहीं, और 8-10 मंडली लोगों की मूर्ति पूजा खंडन, राम का कृष्ण का साकार का खंडन। उसके बाद हमारा कार्यक्रम था, उनकी कार्यक्रम के तुरंत बाद फिर हमने हर बात का उत्तर दिया जो जो उन्होंने प्रश्न किए, हर बात का उत्तर दिया। तो आप लोगों के पास उत्तर नहीं है, इसलिए आप लोग भटक जाते हैं दूसरे धर्म संप्रदाय के बारे में। कोई भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति मेरे पास है, मुझसे प्रश्न करे सनातन धर्म के बारे में, क्या तुमको उसमें कमी दिखाई दे रही है, हम उसका उत्तर देंगे। मेरा विश्वास है, एक महीना कोई मेरा संग करे किसी धर्म का क्यों ना हो, मुझको विश्वास है सनातन धर्म में आ जाएगा। और अन्य ग्रंथों को समझाने की मुझको आवश्यकता नहीं, केवल भागवत में ही इतना कुछ लिखा हुआ है कि आज का विज्ञान पढ़ करके सुन करके हैरान हो जाता है, क्या विचित्र ये धर्म है। और इसमें भी सबसे ऊंची जो स्थिति है भागवत धर्म की, दरअसल भागवत धर्म को अगर हम भागवत ग्रंथ को अगर हम प्रेम ग्रंथ कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। प्रेम कहीं पर्याय है ये भागवत। भागवत का सीधा सीधा अर्थ है प्रेमी, और भागवत धर्म का सीधा सीधा अर्थ है प्रेम। और सनातन धर्म को अगर मैं एक शब्द में कहूं तो इसका धर्म का नाम है प्रेम। और प्रेम किससे? संसार से नहीं, परमात्मा से। विश्व में ऐसा सनातन धर्म को छोड़कर एक भी धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि परमात्मा हमको गले लगा सकता है, हमसे प्यार कर सकता है, हम परमात्मा से प्यार कर सकते हैं। कोई धर्म ऐसा कहते ही नहीं है। और ये बात सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो परमात्मा प्यार करता अपने भक्तों से कैसे करता है। पढ़ो 10वां स्कंध भागवत जी का, श्री कृष्ण अपने भक्तों से कैसे प्रेम करते हैं, साथ में खेलते हैं, उनके संग भोजन करते हैं, प्रेम करते हैं। सब धर्मों ने माना कि परमात्मा दया करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, सब ने माना, लेकिन वो परमात्मा प्रेम भी करता, ये क्यों कोई धर्म प्रेम तक नहीं पहुंच पाया है। तो इसलिए सूरदास ने कहा कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये प्रेम तत्व सबसे ऊंचा है। परमात्मा से हम प्रेम कर सकते हो, परमात्मा साकार है, इसकी खोज आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन सनातन धर्म इस बात को स्वीकार करता है, परमात्मा निराकार भी है, परमात्मा साकार भी है। तो निराकार का क्या अर्थ है, साकार का क्या अर्थ है, आने वाले इन साधनों में हम आप लोगों को यही बताएंगे सनातन भागवत जी के माध्यम से। यही है भागवत दर्शन। देखो भागवत के दो पहलू हैं, एक है दर्शन, एक है कथा। हम लोग केवल कथा सुनते हैं, कथा के पीछे जो लॉजिक होता है ना, जो उसका दर्शन होता है वो हम सुनते, ना कोई समझाने वाला है और ना समझने वाला, और ना ही तुम लोग दचित होके चलो अपने घर में ग्रंथों का अध्ययन करे खोजे। अखबार को तुम इतने ढंग से पढ़ोगे शुरू से लेकर अंत तक, कई कई बार पढ़ डालोगे, लेकिन ग्रंथों में क्या लिखा समझ नहीं पा जाते हो, क्या लिखा ग्रंथ में। एक व्यक्ति हर रोज हनुमान चालीसा पाठ करते, 108 पाठ हर रोज किया उस करता है। हमने पूछा कि हनुमान जी ने जब समुद्र पार किया अंगूठे दाएं हाथ में ले गए थे बाएं हाथ में, आप बताओ दाएं हाथ में थी अंगूठी जो हनुमान जी ले गए थे समुद्र पार किया, सीता जी को निशानी दी राम जी के, दाएं हाथ में ले गए के बाएं हाथ में? देखो चुप है, बोलो बाएं में ना, हाँ माता बोलो बाएं में ना, बाएं में ले गए थे। हनुमान चालीसा कभी सुना पढ़ा है? अच्छी बात। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? प्रभु मुद्रिका मेले मुख माई, मुख में लेगे इतना दाएं में ना बाएं।
ये हाल है हमारे हिंदुओं की। हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं और उसमें लिखा है बिल्कुल स्पष्ट, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही और जल्द लांग गए अचरज नाही। मुख में मुद्रिका थी, लिखा स्पष्ट, हर रोज पाठ करती है माता। पूछा अंगूठी कौन से हाथ में लेंगे तो हनुमान जी कहते पाए में। मैंने ये कहना चाहता हूं कि हम ना दर्शन जानते हैं ना कथा को जानते हैं, और ये दर्शन ये कथा केवल सनातन धर्म के पास है, और जगह कथा नहीं है भगवान की, क्योंकि वहां भगवान का निराकार रूप है और जहां परमात्मा निराकार है वहां कोई लीला ही नहीं है, वहां कोई कथा ही नहीं है। क्या सुनाएंगे बेचारे हो भगवान के बारे में? हमारे पास तो इतनी कथा, 18 पुराण है, रामायण भागवत आदि कितने ग्रंथ भरे पड़े परमात्मा की लीलाओं से, 24 सुन के अवतार है, अनंत अनंत लीला हरि, अनंत हरि कथा अनंता। हमारे यहाँ तो कहने सुनने की कोई कमी नहीं, जिंदगी भर सुनते रहो तभी परमात्मा की लीला समाप्त होती। इतना मैटर है सनातन धर्म के पास, और उन लोगों के पास उनके भगवान का रूप ही नहीं, क्या वर्णन करेंगे उनकी लीला ही नहीं तो क्या कथा सुनाएंगे। इसलिए अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं, केवल निंदा करते हैं सनातन धर्म की, क्योंकि उनके पास भगवान के बारे में कहने की कोई बात है ही नहीं, ना उनके यहां भगवान कोई दर्शन कर सकता है, क्योंकि भगवान का उनके यहां जब कोई रूप ही नहीं है तो दर्शन का तो मतलब ही नहीं। हम तो कह सकते हैं रो रो के भगवान से प्रभु दर्शन दो, वो तो बेचारे ये भी नहीं कह सकते दूसरे धर्मों के लोग के दर्शन दो, क्योंकि उनके यहां दर्शन है ही नहीं। दर्शन कैसे देंगे भगवान जब उसका कोई रूप ही नहीं है, तो दर्शन की भीख ही नहीं मांग सकते। हम तो भगवान के लिए रो भी सकते हैं, प्रभु कृपा करो आपकी याद आ रही दर्शन दो, वो तो बेचारे ये भी नहीं कह सकते कि दर्शन दो आपकी याद आ रही, ये भी नहीं कह सकते, वो तो परमात्मा से प्रेम ही नहीं कर सकते। वो तो निराकार का नाम लेकर परमात्मा निराकार ये समझो कि परमात्मा से हाथ ही धो बैठे। तो ये प्रेम तत्व, परमात्मा प्रेम करते हैं, प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम में दो चीजें होती हैं, क्या क्या, जैसे एक माँ के दो बच्चे हैं, एक उसकी गोद में खेलता है, एक उसे गर्भ में पल रहा है, एक गर्भ में पल रहा है उसके और एक गोद में खेलता आंगन में खेलते हैं। आप बताओ माँ के दर्शन कौन कर सकता है? जो आंगन में खेल रहा है गोद में वो माँ के दर्शन का सुख लेगा, या जो गर्भ में पल रहा है वो माँ को देख सकता है? माँ के दर्शन कौन कर सकता है? जो गोद में बाहर है। अच्छा माँ का दूध कौन पिएगा? स्वाद कौन लेगा माँ के दूध का? माँ का प्यार कौन पाएगा? तो पेट तो माँ दोनों का भर रही है, जो गर्भ में बच्चा उसका भी पेट माँ भरती है, और जो आंगन में खेल रहा है गोद में खेल रहा है उसका भी माँ पेट भरती है। लेकिन एक से माँ प्यार कर सकती है, दूसरे को प्यार नहीं कर सकती। समझने बात को, तो जो गर्भ का बच्चा है वो तो निराकार मानने वाला, उसके लिए माँ निराकार, उसके लिए माँ का कोई आकार नहीं, वो माँ को कभी देख नहीं पाए, ना खाने का सुख लेगा, ना माँ की बात सुनने का सुख लेगा, माँ की लोरी नहीं सुन पाएगा, माँ की गोद में नहीं लिपट पाएगा, माँ का प्यार ही नहीं कर पाएगा, ना माँ उसे प्यार कर पाएगी, ना माँ उसको चूमेगी, ना अपने हृदय का दूध पिला पाएगी, माँ कुछ भी नहीं करेगी प्यार की। हाँ उसका पेट भर जाएगा, ऐसा सिस्टम भीतर भीतर माँ की आंख से बच्चे का, उसमें तो पेट तो भर जाएगा बच्चे का। बच्चे को कोई तकलीफ है तो माँ को दवाई दे दो बच्चे तक पहुंच जाएगी, बच्चे को भूख है माँ को खिला दो बच्चे तक खुराक पहुंच जाएगी। तो ये सब सिस्टम तो है, लेकिन माँ का प्यार उस बच्चे को नहीं मिल सकता कब तक? जब तक वो जन्म नहीं लेगा। तो जितनी भी आत्माएं हैं वो सब के सब जो निराकार परमात्मा को मानते हैं वो समझो भगवान के गर्भ के बच्चे हैं, और जो सनातन धर्म के जो साकार रूप में मानते हो भगवान के गोद के बच्चे हैं। तो परमात्मा का दर्शन केवल सनातन धर्म के अनुसार चलने से होगा, और धर्मों के अनुसार चलने से परमात्मा का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। मैं तो पूरे विश्व के धर्मों को टीवी पे चैलेंज करता हूँ, कोई बता दो ऐसा जो कह दे कि हमने परमात्मा के दर्शन किए। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कितने संत महापुरुष हैं जो भगवान के साथ खेलते हैं, परमात्मा प्रेम करते हैं, परमात्मा का प्यार आज तक किसी को नहीं मिल पाया, मिलेगा तो सनातन धर्म के अनुसार चलने से मिलेगा। भागवत ग्रंथ पढ़ो, रामायण ग्रंथ पढ़ो, इसमें कितना कुछ लिखा, कहीं भी भगवान प्रकट नहीं हुए, जब भी प्रकट होते कई लोग कहते हिंदुओं के यहीं भगवान अवतार लेते, कारण क्या है?
और जगह अवतार क्यों लेते हैं? उसका कारण है कि यहां अवतार क्यों लेते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, परमात्मा प्रेम से प्रकट होंगे। तो यहां भगवान से प्रेम किया जाता है, यहां भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान को जगाते हैं, वस्त्र अलंकार धारण कराते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, माला पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, कितना कुछ लाड़ लड़ाते हैं भगवान से। तो यहां भगवान से प्यार किया जाता है, हम मंदिर में स्थापना करते हैं साकार भगवान, उनकी पूजा करते हैं, और किसी धर्म में ना कोई पूजा करता ना कुछ। यहां जय साकार भगवान की उपासना, उपासना का मतलब है, उप का मतलब होता है नजदीक, आसन का मतलब होता है बैठना, उप आसन अर्थात भगवान के पास रहना। तो भगवान के जो पास रहते हैं वो सनातन धर्म है, और जो भगवान के अंदर रहेंगे वो और धर्म लोग। तो दूसरे धर्म के लोग हैं परमात्मा के गर्भ का बच्चा, और सनातन धर्म के लोग हैं परमात्मा के गोद में खेलने वाले, उनका प्यार करने वाले। तो परमात्मा का जो सुख है वो गोद के बच्चे को मिल सकता है, गर्भ के बच्चे को माँ के प्यार का सुख नहीं मिल सकता। वो माँ को देख नहीं सकता, है ना, माँ की गोद में नहीं आ सकता, वो माँ के लोरी नहीं सुन सकता, उसको माँ अपने हाथों नहीं खिला सकती, उसको माँ अपने सीने से चिपका के सो नहीं सकती, मतलब माँ उस बच्चे से प्यार कर ही नहीं सकती जो गर्भ में बच्चा है। इसलिए हमारे सनातन धर्म की उपासना को द्वैत उपासना बोलते हैं, और धर्म की उपासना को अद्वैत उपासना बोलते हैं। अद्वैत का मतलब होता है एक, और द्वैत का मतलब होता है दो। तो हमारे यहाँ आत्मा और परमात्मा दो है, और दो क्योंकि प्रेम हमेशा दो के बीच होता है, सिंगल कभी प्रेम नहीं कर सकता, प्रेम करने के लिए कम से कम दो का होना जरूरी होता है, क्योंकि प्रेम दो दिलों के बीच में एक धारा होती है प्रेम की, और इसी से रसा स्वादन होता है प्रेम का। तो दिलों में प्रेम होता है, और प्रेम हमेशा दो के बीच होता है, जहां आत्मा और परमात्मा दो रह करके सदा प्रेम की लीलाएं करते हैं, ये सनातन धर्म की उपासना है, और जहां आत्मा परमात्मा में लीन होकर के एक बन जाती है, ये अद्वैत उपासना है। इसलिए लोग जब करते हैं सोहम तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन सनातन धर्म में ये नहीं कहा गया कि आत्मा ही परमात्मा है, बल्कि भागवत में तो कहा गया है कि आत्मा परमात्मा नहीं, बल्कि आत्मा परमात्मा जैसी है, और आत्मा परमात्मा की भक्त है, प्रेम करती है उनसे। तो आत्मा और परमात्मा जहां दो तत्व स्वीकार किए जाएं, वो है सनातन पद्धति प्रेम तत्व प्रेम उपासना, और जहां आत्मा को परमात्मा में एक कर दिया जाए तो वहां पर प्रेम तत्व समाप्त हो गया, क्योंकि जब आत्मा ही परमात्मा बन गई है, आत्मा परमात्मा के अंदर लीन हो गई, तो फिर प्रेम कैसे कर पाएगी परमात्मा, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में रहता, माँ के अंदर लीन रहता है, इसलिए वो माँ के प्रेम का अधिकारी नहीं। तो माँ के प्यार का तो अधिकारी वही है जो गर्भ के भीतर न होकर के बाहर माँ के पास रहेगा। तो इसलिए जितने भी राक्षसों को भगवान राम ने कृष्ण ने मारा, तो उनकी आत्मा भगवान ने क्या किया, अपने अंदर लीन कर दी। तो भगवान के अंदर लीन हो जाने का नाम है मुक्ति, और भगवान के पास सखा गोपी ग्वाल बाल आदि बनकर के रहने का नाम है भक्ति अर्थात प्रेम। एक है भक्ति, एक है ज्ञान। तो परमात्मा के अंदर लीन होने का जो रास्ता अर्थात निराकार मानना भगवान को, जिस रास्ते माना जाता उस रास्ते कहते हैं ज्ञान का पंथ, और जहां भगवान को साकार माना जाता है वहां कहते हैं भक्ति का पंथ प्रेम का। तो भक्ति सर्वोपरि है, प्रेम तत्व सर्वोपरि है। गुरुवाणी में आया है कि योगी पावे योग से ज्ञानी लेह विचार, और नानक पावे भक्ति से जाको प्रेम आधार। ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म के अनुसार चलने से जाए उद्धार नहीं होगा, किसी भी धर्म के अनुसार चलो उद्धार हो जाएगा, ये बात सच है। किसी धर्म के अनुसार चलो, जन्म मरण से तो छूट जाओगे, लेकिन भगवान के अंदर लीन हो जाओगे, दूसरे धर्म के अनुसार चलोगे, लेकिन उनका प्यार उनका प्रेम ही प्राप्त कर सकते। अगर प्रेम प्राप्त करना है तो आपको भक्ति के रास्ते पे चलना है, भक्ति करनी है सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार। और अगर हम पापों से बच करके भक्ति करेंगे तो ग्वाल बाल सखी आदि बन के, जैसे मीरा ने भक्ति की भगवान के प्रेम किस रूप में की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो श्री कृष्ण को पति बनाया, ये नहीं कहा मीरा ने आत्मा ही परमात्मा नहीं,
मैं उनकी पत्नी हूं, मेरे पति। तो ऐसे भगवान को भाई बना सकते हैं, भगवान को पुत्र मान सकते हैं, भगवान को मित्र मान सकते हैं। तो जो भी रिश्ता तुमको भगवान से अच्छा लगता है, भगवान कहते हैं मेरे तेरे नाते अनेक मानिए जो आए। कोई भी एक भाव करके परमात्मा में आप फिर मन ही मन उस भाव को रख करके भगवान की सेवा भक्ति पूजा करें और हर समय नाम जप चिंतन करें और पापों से बचते रहे, कोई अपराध ना बने। और उसके बाद धीरे धीरे जो जो चित्त शुद्ध होता जाएगा, निर्मल पवित्र होता जाएगा, त्यों त्यों कभी ध्यान में, कभी सपने में, और कभी कभी एक समय ऐसा आएगा कि प्रत्यक्ष में भगवान के प्रेम के अधिकारी हो जाएंगे। बस ये मैंने पूरी भागवत का निचोड़ बता दिया कि हमारी भागवत क्या कह रही है। शीर्षक के रूप में कह लो, ये 5 मिनट में मैंने जो बताया वो पूरी भागवत का निचोड़ है। अब हम कैसे भगवान के प्रेमी बने, कैसे साकार भगवान की उपासना करें, और क्या है साकार भगवान, क्या है इनके अवतार का रहस्य, क्यों ये दुनिया में अवतार लेते हैं, और कैसे कैसे भगवान दुनिया में आकर के लीलाएं करते हैं, ये सब की सब प्रेम का एकमात्र कारण है प्रेम। साकार भगवान का कारण है प्रेम और निराकार भगवान का कारण है ज्ञान। इसलिए ज्ञान के द्वारा निराकार की प्राप्ति होती है और प्रेम के द्वारा साकार भगवान की प्राप्ति होती है। ज्ञान होता है बुद्धि में और प्रेम होता है हृदय में, दिल में होता है प्रेम। तो ज्ञान के द्वारा भगवान जाना जा सकता है, लेकिन भगवान को पाया नहीं जा सकता। भगवान को केवल प्रेम से ही पा सकता है। मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि व्रत तप मख जागा। कितने भी यज्ञ अनुष्ठान कर लो, जो भी मर्जी साधना कर लो, भगवान मुक्ति तो दे सकते हैं तुमको, अपने अंदर लीन तो कर लेंगे, लेकिन अपने पास गोपी ग्वाल सखा आदि बनाकर नहीं रख सकते। वो तो केवल उन्हीं को रखेंगे जो उनसे प्रेम करते हैं। सर्वोपरि स्थिति है प्रेम। अब इस प्रेम तक कैसे पहुंचना है, यही आप लोगों को बताया जाएगा। आज पहला दिन है, हम भी देरी से, एक तो हमारा आधा घंटा तो डेडी इसमें लग गया, बीड़ा में जहाँ पुल बना है, पूरा आधा घंटा जाम में लग गया हमारा, बड़सर में 1 घंटा बीच में खराब गया। तो आज पहला दिन है और देरी से कथा प्रारंभ हुई। आप प्रवेश करते हैं कथा में। मूल तत्व दर्शन मैंने भागवत का बताया और समय समय पर मैं आपको बहुत कुछ भागवत से निकाल करके दूंगा, जो आप लोग यही सोचेंगे पहली बार सुन रहे हैं भागवत में बहुत कुछ, तो अथाह समुद्र है। सनातन धर्म क्या है, इसका दर्शन क्या है, ये समझने के लिए हमको भागवत कथा समझनी पड़ेगी। शौनक आदि ऋषि 88,000, उसमें मुख्य है जिनका नाम है शौनक जी। 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया शौनक जी से, हमारा मन भगवान में नहीं लगता, संसार में भटकता है, घर छोड़ के बाबा जी बन गए लेकिन मन भगवान में नहीं लगता, चिंतन नहीं होता, संसार की तरफ मन भाग जाता है। तो शौनक जी ने 88,000 ऋषियों से कहा, चलो मेरे संग गोमती नदी के किनारे नेमिषारण्य क्षेत्र में, वहां सूत जी बैठे हैं वृक्ष के नीचे, आंख बंद करके ये प्रश्न हम उन्हीं से करेंगे कि मन कैसे परमात्मा में लगे संसार से हटकर। तो 88,000 शौनकादिक ऋषि सूत जी के पास आए। सूत जी आंखें बंद किए बैठे थे और क्या कर रहे थे, भागवत के 10 स्कंद में जो श्री कृष्ण लीलाएं लिखी है उन सब कृष्ण लीलाओं का चिंतन कर रहे थे। इतना चिंतन कर रहे थे कि उनको बाहर के होश थी। अब एक नहीं 88,000 ऋषि और सब परस्पर वार्तालाप चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई स्तुति कर रहे हैं सूत जी की, कोई भगवान की चर्चा, कोई परस्पर बातें कर रहे हैं, हु हल्ला हो रहा था। इसके बाद सुनकर भी सूत जी आंखें बंद के जो करते हुए बैठे रहे, सब संत हैरान हो गए, हम 88,000 व्यक्ति यहाँ पर हैं और इतना शोर शराबा हो रहा है, तब भी वट वृक्ष के नीचे बैठकर शांत चित, इनका मन हटा ही नहीं भगवान से, बाहर गए नहीं, थोड़ा भी कोई डिस्टर्ब कर देता है तो तुरंत मन इधर उधर भाग जाता है, कोई ध्यान पे बैठा कहीं बैल की घंटी भी बज जाए, इतने में ध्यान टूट करके बैल की तरफ ही किसका फोन आया, संसार के चिंतन में लग जाता। लेकिन गजब है, हम 88,000 ऋषि मुनि और इतना शोर शराबा हो रहा है, इतने शोर के बीच में भी सूत जी बैठ करके चिंतन में मगन है। जब उन्होंने अपना पूरा नियम पूरा किया तब आंख खुली, जब आंख खुली देखा ओ भीड़ जहां तक
उनकी दृष्टि जा रही है पूरे जंगल में, सब जगह संत ही संत दिखाई दे रहे हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो सबसे आगे सोनकादिक ऋषि, सोनकादिक सोनक जी महाराज ने कहा सुज जी महाराज से कि ये सब ऋषि मुनि आए हैं और इनकी तरफ से मैं आपके एक प्रश्न कर रहा हूं, वो ये आप जैसे वैष्णव जन संसार में रहकर भी कैसे संसार से तर गए, इतने शोर शराबे में रहकर भी आपका मन श्री कृष्ण के चिंतन से नेक भी इधर उधर नहीं गया, संसार में नहीं भटका, ये विद्या आपने कैसे प्राप्त की है। और ऋषियों का यही प्रश्न है कि हमारा मन भगवान में लगता नहीं, जो ही संसार के शोर शराबा होता तुरंत संसार में मन चला जाता है, श्री कृष्ण में हमारा मन कैसे लगे, ये प्रश्न किया। भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महान माया मोह निराश्चय वैष्णव क्रियते कथन, कि जो संत है वैष्णव भक्त जन है ये कैसे माया के उस पार पहुंच जाते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त ये विवेक कैसे सजग रहे। आप गुरु तुल्य हैं, गुरु हैं, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। और ये जीव बार बार जन्मता है मरता है, 84 के चक्कर में पड़ा है, काल के अधीन है, कैसे ये काल रूपी व्याल का ग्रास बनने से लिए रुके, कैसे ये बचे इस काल से, जन्म से इसका बंधन का छुटकारा कैसे हो। तो सूत जी महाराज ने कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहित वे श्रीमद भागवती कथा कलौ किरण भाषित, इस घोर कलयुग में भागवत जी को जानो, भागवत जी को पढ़ो, भागवत जी को समझो, भागवत जी को सुनो, अगर समझ में नहीं आ रही है महापुरुषों से सीखो, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर, अध्यात्म संबंधी जितने भी प्रश्न हैं आपके हर प्रश्न का उत्तर है श्रीमद् भागवत कथा, आपकी हर समस्या का समाधान है भागवत कथा, आपके हर प्रश्न का उत्तर देगी भागवत कथा, आपको अज्ञान के अंधकार से निकाल करके ज्ञान के प्रकाश में ले जाएगी भागवत कथा, आपको माया से छुड़ा करके मायापति के पास ले जाएगी भागवत कथा, आपको सनातन धर्म का दर्शन बताएगी भागवत कथा, भगवान क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, इन तीनों का पूर्ण विवेचन करती है भागवत कथा। इस सृष्टि में तीन ही तत्व है, चौथा कोई तत्व है यदि, तीनों को मिलाकर के सृष्टि बनी, प्रथम तत्व है परमात्मा, दूसरा तत्व है जीवात्मा और तीसरा तत्व है ये माया, परमात्मा आत्मा और माया। न रूपमस्य तथोपलभ्यते न अंतो न चादिर न संप्रतिष्ठा, आत्मा और परमात्मा और माया ये तीनों कभी बनाई नहीं गई, ना तीनों कभी मिट सकती है, ना परमात्मा ने कभी जन्म दिया ना वो मरेंगे, और ना आत्मा ने कभी जन्म लिया ना वो मरेगी, ना इस माया ने कभी जन्म लिया ना कभी माया समाप्त होगी, सदा रहेगी माया, सदा से थी, आत्मा भी सदा से थी सदा रहेगी, परमात्मा भी सदा से थे और सदा रहेंगे, इन तीनों का जन्म नहीं होता ना ये तीनों मरते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, ये प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का अवतार हो उससे भी पहले श्री कृष्ण थे, आप ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा के पढ़िए, जब यहां तक कि भागवत में भी लिखा हुआ है, भागवत का 10वां स्कंध प्रथम अध्याय, भगवान श्री कृष्ण तब भी थे जब अवतार नहीं दिया था, और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार की लीलाओं का स्मरण किया उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण, हम ये नहीं कह सकते कि 5000 साल पहले श्री कृष्ण हुए थे, नहीं थे मत कहो, वो आज भी है, आज भी अपने भक्तों को प्रकट होकर दर्शन देते हैं। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार तो द्वापर युग के अंत में हुआ, इससे 17 लाख साल पहले, कृष्ण अवतार से 17 लाख साल पहले पुष्कर राज में साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन ब्रह्मा जी करते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा के पढ़े, और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं राधा रानी के चरणों को अपने शीश पर धारण करना चाहते ही मुझको अधिकार मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मा को कि राधा रानी के चरण तुम अपने शीश पर धारण करना चाहते हो, इसके लिए तुमको इंतजार प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तुम
तुम जाओ ब्रज में, पहाड़ बन के प्रकट हो जाओ, पहाड़ बनो ब्रज में जाकर के, वहां पर मैं राधा रानी सहित अवतार लूंगा ब्रज भूमि में। उस समय श्री कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था, जबकि मैं बात कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं ना कि कृष्ण तो द्वापर युग में उससे पहले कहा थे, भगवान सदा से हैं और सदा रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज से 17,00,000 साल के बाद मैं ब्रज में हम दोनों राधा कृष्ण अवतार लेके आएंगे, तुम वहां पहाड़ बनो, वहां तुमको राधा रानी के चरण प्राप्त होंगे। बरसाना जहां आप लोग जाते हैं, ये बरसाने का जो पहाड़ है इसका नाम है ब्रह्माचल, ब्रह्मगिरी मतलब ब्रह्म पर्वत इसका नाम है। ये ब्रह्मा जी हैं, जैसे ब्रह्मा के चार मुख हैं, ऐसे बरसाने में जो पहाड़ है उसके चार शिखर हैं। चार शिखरों के अलग अलग नाम है, भानुगढ़, विलासगढ़, मानगढ़ और दानगढ़। ये चार शिखर हैं उस पहाड़ के, जैसे ब्रह्मा के चार मुख पहाड़ के भी चार ही शिखर हैं। तो ये ब्रह्मांचल पर्वत आप जाएंगे, राधा रानी के दर्शन करेंगे, नीचे जो हाल है उसके ऊपर श्लोक मिलेगा आपको लिखा हुआ है, उसमें समझा रखा कि जो पहाड़ है ये ब्रह्मा जी वाले। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण के 17,00,000 साल पहले जन्म के भी भगवान श्री कृष्ण पुष्कर राज में प्रकट होकर राधा कृष्ण दर्शन देते हैं। अब आइए राम की बात। लोग कहते हैं त्रेता युग में राम अवतार, उससे पहले राम थोड़ी थे। कौन कहता उससे पहले राम नहीं थे? आप रामचरितमानस का बालकांड पढ़िए, जिस समय राम अवतार नहीं हुआ था। राम अवतार तो त्रेता युग में, ये सत्यों की घटना है। मनुष्य त्रुपने नेमिषारण्य में तपस्या की, सीताराम की उपासना की, तो वहां सीताराम प्रकट हुए हैं सत्ययुग में और मनुष्य से कहा वरदान मांगो, तो क्या मांगा? चाहिए तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, हे प्रभु आपके समान हमको संतान चाहिए। तब वही राम जी बन करके आए त्रेता युग में और भगवती सीता जनक की दुलारी बन के आई है। तो सत्ययुग में भी सीताराम जी थे, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी, कलयुग में भी सीताराम है। आज भी सीताराम कितने भक्तों को संतों को दर्शन देते हैं। तो ये नहीं समझो कि द्वापर युग में कृष्ण का अवतार हुआ उससे पहले नहीं थे, वो सत्ययुग में भी राधा कृष्ण थे, त्रेता युग में भी राधा कृष्ण। और आप सुनकर हैरान होंगे, सनकादिक ऋषि, ये सत्ययुग की घटना है। सनकादिक ऋषियों के गुरु हंस अवतार थे, 24 अवतारों में एक अवतार हंस अवतार, भागवत में 24 अवतारों की कथा है। तो 24 अवतारों में हंस अवतार, 11th स्कंद में जिसकी कथा लिखी है भागवत में, तो उसमें 11th स्कंद में लिखा हुआ है कि सत्ययुग में जो हंस अवतार हुआ था, तो हंस अवतार ने राधा कृष्ण की उपासना सिखाई थी सनकादिक ऋषियों को। उस समय तो राधा कृष्ण का अवतार ही नहीं हुआ था, उससे पहले राधा कृष्ण की उपासना हंस अवतार, हंस भगवान सनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं। और सनकादिक ऋषियों ने राधा कृष्ण की उपासना देव ऋषि नारद जी को बताई थी, और कब बताई थी? उस समय तो राधा कृष्ण का अवतार ही नहीं हुआ था, उससे पहले देव ऋषि नारद ने सीखी है उपासना सनकादिक ऋषियों से राधा कृष्ण की। तो परमात्मा सदा से है सदा रहेंगे, आत्मा भी सदा से है सदा रहेगी, और ये माया भी सदा से है सदा रहेगी। माया की उत्पत्ति नहीं हुई, ना परमात्मा की उत्पत्ति हुई, ना आत्मा की उत्पत्ति हुई। आत्मा को ना किसने पैदा किया, ना कोई इसको मार सकता है। ये आत्मा परमात्मा ने भी पैदा नहीं की, क्योंकि पैदा हुई ही नहीं, तो सदा से है। परमात्मा भी सदा से, आत्मा भी सदा से, ये माया भी सदा से है। इन तीनों तत्व, ये तीनों अनादि हैं, इन तीनों तत्वों को सनातन कहते हैं, और इन तीन तत्वों को जो पूरा जानता उसको सनातन धर्म कहते हैं। फिर सुनो, इन तीनों तत्वों को जो पूर्ण रूपेण ज्ञान है, उसी ज्ञान का नाम है सनातन ज्ञान, और इसी सनातन ज्ञान को जो जानने वाले लोग हैं उनको कहते हैं सनातन धर्मी। तो ये जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का सीधा सीधा मतलब जो सदा से होता है। मुसलमान धर्म तो 1400 साल पहले था, आज से 1400 साल पहले पैदा हुआ। ईसाई धर्म आज से 2018 साल पहले पैदा, उस समय था ही नहीं, लेकिन सनातन धर्म सृष्टि की शुरुआत से था। यहां सनातन का सीधा सीधा अर्थ होता सत्य, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत उसको कहते हैं जो सदा से है,
और सदा रहेगा उसको सत्य कहते हैं। दो और दो कितने होते हैं बोलो, दो और दो कितने होते हैं, चार। ये सत्य है कि असत्य है, सत्य है। अच्छा सत्य किसने पैदा किया, दो और दो चार होते हैं। ये कब से होने लगे दो दो चार, इसकी कोई डेट तिथि कोई फिक्स कि अमुक सन से दो और दो चार होने लगे, उससे पहले नहीं था, सभी कह सकते हैं। मतलब दो और दो चार, इसको बोलते हैं सत्य। और ये सत्य सदा से था और ये सत्य सदा रहेगा, कोई इसको मिटा सकता है, सत्य को कोई पैदा कर नहीं सकता, क्योंकि सत्य हमेशा अनादि होता है, सनातन होता है, सदा से होता है। सत्य को कोई पैदा नहीं कर सकता, आत्मा सत्य है, आत्मा को कोई पैदा नहीं कर सकता। परमात्मा सत्य है, वो भी सदा से है, और ये माया भी सत्य है, ये भी सदा से है। बस अंतर इतना है, न रूप मस्य है तथोपलभ्यते न अंतो न चादि न संप्रतिष्ठा। आत्मा और परमात्मा एक जैसे रहते हैं सदा, और माया ये संसारी बदलता रहता लेकिन रहेगा सदा, खाली परिवर्तनशील है, ये भी कोई मिटेगा नहीं। जैसे कागज का टुकड़ा, इसको भी कोई मिटा नहीं सकता। यदि कोई इसमें आग लगा देंगे मिट जाएगा, नहीं मिटेगा, आग लगाने के बाद ये मिटेगा नहीं। कागज ने अपना रूप बदल दिया, पहले कागज के रूप में था, अब वो राख के रूप में हो गया, लेकिन अब भी है वो। किस रूप में है, राख के रूप में। दूध को जमा दिया, दही बन गया, लेकिन दूध खत्म नहीं हुआ, बस दूध ने अपना रूप बदल दिया है। पहले दूध के रूप में था, अब वो दही के रूप में हो गया। फिर उसको मथ दो, फिर वो लस्सी छाछ बन गया और मक्खन बन गया, उसके रूप में रहा। उसको खा लो, मल मूत्र पसीना हो गया और खून बन गया, शरीर में आ गया। उसने अपने रूप बदल दिया, लेकिन रहा हो अब भी। इसी प्रकार ये माया कभी समाप्त नहीं हो सकती, सदा से थी सदा रहेगी, ये अपने रूप बदलती रहती है। लेकिन परमात्मा और ये आत्मा ये सदा एक जैसी रहती, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। तो ये मत कोई समझे कि द्वापर युग में कृष्ण आए, उससे पहले नहीं थे, वो सदा से है। तो सत को कोई पैदा नहीं कर सकता, सत को कोई बना नहीं सकता, और गीता में भगवान ने कहा जो बनेगा वो मिटेगा। तो सनातन धर्म बना नहीं है, ये सदा से है, इसलिए ये मिट नहीं सकता। और धर्म बने हैं, किसी इंसान ने बनाया, ऐसा नहीं कि वो अधर्म है, वो अधर्म नहीं है, वो भी धर्म, लेकिन वो सदा टिकने वाले नहीं है, वो टेम्परेरी धर्म है, टेम्परेरी थोड़े समय के लिए। उनको हम लोग मत कहते हैं, मत का मतलब बुद्धि का एक विचार, एक मत, वो मत है, वो पंथ है, लेकिन ये धर्म, धर्म विश्व में एक ही है, जिसको कहते हैं सनातन धर्म। ये सदा से था, इसका कभी परिवर्तन नहीं। और जितने धर्म संप्रदाय ये सब पैदा हुए हैं, इनकी तारीख निश्चित है, कौन सा धर्म कौन से सन में पैदा हुआ है, लेकिन सनातन धर्म अपना अनादि है सदा। ये कह लीजिए सनातन धर्म वृक्ष है और धर्म सब शाखाएं। इस धर्म को जानो, समझो, इस धर्म के अनुसार यही सत्य बताएगा, पूर्ण सत्य सनातन धर्म के पास। और धर्मों में अधूरा सत्य है और सनातन धर्म में पूर्ण सत्य है। और धर्म तो केवल निराकार मानते हैं, साकार को तो बेचारे जानते नहीं, लेकिन ये धर्म निराकार को भी जानता है, परमात्मा के साकार रूप को भी जानता है। इस धर्म के पास पूरा ज्ञान है, इसने 33 कोटि देवी देवताओं को खोज कर रखी, और तो देवी देवताओं को मानते नहीं धर्मों में। क्यों नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने कभी खोज की ही नहीं, वो वहां तक पहुंच नहीं पाए जहां तक सनातन धर्म पहुंच गया। तो सनातन धर्म तो देवताओं को भी मानता है, पितरों को भी मानता है, इन्होंने खोज बिल के पास है कि पितर लोक होता है, जो आत्माएं अभी जन्म नहीं ले पाई लेकिन शरीर छोड़ दिया, अभी उनके जन्म का समय नहीं आया जहां पर उनके कर्मों का ठीक ठीक भुगतान हो, अभी ऐसी उनके माहौल पृथ्वी लोक पर जन्म का नहीं बना, तो उनको वेटिंग उसमें रखा गया है, इसी वेटिंग रूम को कहते हैं हम लोग पितरलोक। तो पितरों पितरलोक होता है, ये खोज सनातन धर्म की है। उन लोगों को बेचारे पितर लोक को नहीं खोज पाए, भगवान के लोक को कहां से खोजेंगे। नौ ग्रह किसने बताया, नौ ग्रह होते हैं सूर्य से, किस ग्रह की कितनी दूरी होती है, ये जितने भी दुनिया के धर्म नए नए पैदा हो रहे हैं, किसी धर्म ने खोजा नहीं ये बात। ये खोज केवल हमारे सनातन धर्म की है,
कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर है। और ये जो ज्योतिष शास्त्र है ना, ये बड़ा चमत्कारी ग्रंथ है। इस ज्योतिष शास्त्र को देखकर भी वैज्ञानिक हैरान है। वैज्ञानिक तो अपने टेलीस्कोप लगा लगा के देखते हैं ग्रहों की कैसी स्थिति है, कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, ये तो अपने टेलीस्कोप मशीनों से देखते हैं। लेकिन हमारे ज्योतिष आचार्य लोग जनपत्र जो हमारा ये ज्योतिष शास्त्र है, इससे घर बैठे बैठे बता देंगे बिना किसी दूरबीन के, बिना किसी टेलीस्कोप के, केवल ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बता देंगे कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, इस समय कौन सा ग्रह किस दिशा में कहां पर कैसे घूम रहा, कितनी स्पीड से, और एक दूसरे के बीच में कब कौन सा ग्रह आएगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, कब सूर्य ग्रहण, ये सब ज्योतिष शास्त्र हमारे, ये ज्ञान, ये विद्या है। ये विद्या सनातन धर्म के सिवा किसी भी धर्म के पास नहीं है। और धर्म के लोग इसलिए सनातन धर्म से चिढ़ते हैं क्योंकि उनके पास ये विद्या नहीं है। वो छोटे पड़ जाते हैं, वो हल्के पड़ जाते हैं। मैं कहता हूं अगर सनातन धर्म के मर्म को, ग्रंथों को कहीं पूरी दुनिया कहीं एक बार पढ़ ले, सारे सनातन धर्मी बन जाएंगे। लेकिन उल्टा हो रहा है, सनातन धर्म से निकल निकल करके लोग नाना प्रकार के धर्म संप्रदाय में भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानते नहीं जिस धर्म में परमात्मा ने तुमको पैदा किया, उस धर्म को जाना। क्यों भटक रहे हो? कुछ हाथ लगने वाला नहीं, और जो हाथ लगा था वो भी छूट जाएगा कहीं नाना प्रकार के धर्म संप्रदाय में भटक गए। तो यहां पर पवित्र गंगा जी है, तुलसी महारानी है, इनकी कितनी महिमा शास्त्रों में लिखी है। मृत्यु के समय जिसके मुख में गंगा जल हो, वो प्रेत योनि में भटक नहीं सकता, चाहे वो महापापी भी क्यों ना। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी दल है, चाहे वो महापापी भी क्यों ना, उसको प्रेत योनि प्राप्त नहीं होती। इतनी महिमा है तुलसी दल की। तो यहां तो इतनी खोजे हैं, और सच बात है खोजा यहां कुछ नहीं गया, ये तो पहले से परमात्मा ने सब बता रखा है स्नान धर्म की रीति को। इसलिए आप स्नान धर्म को जानो, इसको पहचानो, सद ग्रंथ घर में उठा के पढ़ा करो, उनको समझा करो। हनुमान चालीसा की तरह ऐसा ना करो कि नियम तो ले लिया पाठ करने का, बाकी लिखा क्या उसको समझ दे। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल आप लोगों के आगे रखा, हर रोज पाठ करते हैं, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जरज लांग अचरज नाही। और जब पूछा कि मुद्रिका दाएं हाथ में रखे के बाएं हाथ में, तो क्या बताया? बाएं हाथ। इसका मतलब आप लोग पढ़ते तो है लेकिन समझते नहीं। समझो स्नान धर्म को, समझने की आवश्यकता है। सनातन धर्म को छोड़कर जो इधर उधर भटक रहे नाना प्रकार के संप्रदायों में, सीधा सीधा मतलब है कि जब इतनी कीमती चीज सनातन धर्म उसमें पैदा होकर भी वो खाली रहे, तो और जगह क्या भर जाएंगे वो। गंगा के किनारे जो प्यासा है, फिर वो सरोवर के किनारे भी प्यासा रहेगा। गंगा के किनारे जो प्यासा है तो सरोवर क्या देगा? जब गंगा से तेरे को कुछ नहीं मिला तो उसको नहीं पी पाया। तो सनातन धर्म प्रेम धर्म, इसी धर्म में इसलिए भगवान आते हैं क्योंकि यहाँ प्रेम है। प्रेम तत्व तो यहाँ सबसे ऊंचा है। सूरदास ने कहा सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम तत्व तो सबसे ऊंचा है। और जहां प्रेम नहीं, उदाहरण दिया पांच सूरदास जी ने कि दुर्योधन के मेवा त्याग है, 56 भोग लगाए दुर्योधन ने लेकिन नहीं खाया। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्रेम को देखते हैं, मेवा पकवान नहीं देखते। और उसी समय विदुराने की आँच छिलके खा ली। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम था। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हा क्यों भूल गए ठकुराई, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे बेर भिलनी के खाए बहुविधि स्वाद बताई, क्यों? क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अंत में सूरदास जी लिखते हैं कि सूर क्रूर इस लायक नाही, कहां लो करूं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। परमात्मा सका जो प्यार है, प्रेम का सीधा सीधा अर्थ होता है भगवत प्रेम। परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं, परमात्मा के गले लग सकते हैं, परमात्मा के साथ एक थाली में बैठ के खा सकते, परमात्मा के संग खेल सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? पढ़ो भागवत का 10वां स्कंध। भक्तों ने, ब्रजवासियों ने
परमात्मा से कैसे कैसे प्रेम संबंध किए, उन प्रेम संबंधों में जो भी तुमको अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो, और यहीं पर भगवान प्रेम दान कर सकते हैं। ये मत सोचो कि मरने के बाद भगवान प्रेम करेंगे, मरने के बाद भगवान के दर्शन में नहीं, जीते जी होते हैं, यहीं पर खेल प्रारंभ हो जाते हैं, वो तो प्रेम देखते हैं। श्याम रे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो, वो परमात्मा प्रेम स्वरूप है, इसी प्रेम के लिए भगवान का साकार रूप है, क्योंकि वो परमात्मा प्यार के बिना नहीं रह सकता, वो सब के बिना रह सकता लेकिन प्रेम किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए प्रेम वो हमेशा करता, तो इसलिए वो हमेशा साकार रूप में विद्यमान है। देखो गोपियों से, ग्वालों से, राधा से, नंद यशोदा से, ब्रज की गाय से, उद्धव से, सुदामा से, अर्जुन से, द्रौपदी से, जिन्होंने भी इनसे प्यार किया, कैसा प्रभु ने प्रेम को निभाया। और ये नहीं कि जब अवतार लिया तभी भगवान प्यार करते, नहीं, भगवान के अवतार के 4,500 साल के बाद मीरा इस दुनिया में पैदा हुई थी, तो भगवान ने मीरा से प्यार किया। ठाकुर जी की बंसी बजती थी तो मीरा नाचती थी, झूमती थी। मीरा के पति की मृत्यु हो गई तब भी मीरा रोई नहीं, क्यों? क्योंकि उसके जो सच्चे पति हैं कृष्ण वो उसके साथ हैं। बड़े से बड़ा दुख भी मीरा को रुला नहीं सका, क्यों? क्योंकि उसको श्री कृष्ण का प्यार मिल चुका था। रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया, हर बार नए रूप में दुख आया मेरे पास, मेरी खुशी को देखकर वो हो गया उदास, हर बार दुख को देखकर मैं यो ही हंस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। जब भी कभी रुलाने को दुख आया सामने, झट आ गए घनश्याम लगे मुझको थामने, ऐसा है मेरा श्याम सारे दुख को ग्रस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया।